हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को इंग्लिश विथ है भरत सारे यूट्यूब है चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फ्रेजल भव की चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह फ्रेजल भव आपका LAY ले से संबंधित है। ले का मतलब होता है, आपको पता होगा, लेटना। तो उसी ले से यहाँ पे फ्रेजल भव को देखने का प्रयास किया जाएगा, समझने का प्रयास किया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि फ्रेजल भव हम जो बताते हैं, जो फ्रेजल भव होता है उसको इंग्लिश में लिखते हैं, फिर इसका हिंदी में जो मतलब निकलता है उसको हिंदी में मैं लिख देता हूँ, और इस हिंदी का जो इंग्लिश सेंस होता है उस इंग्लिश सेंस को भी लिख देते हैं, और उसके बाद आपको एक कंप्लीट सेंटेंस के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो आप सभी लोगों के लिए मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, इसलिए आप इसे अवश्य देखें, अपने दोस्तों को बताएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर वन में आपके पास है ले अ साइड या बाई। ले अ साइड भी लिख सकते हैं या बाई भी लिख सकते हैं, जिसका हिंदी होता है बचत करना, और इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं टू मेक सेविंग्स फॉर ए फ्यूचर यूज, यानी भविष्य के प्रयोग के लिए जब आप किसी चीज का बचत करते हैं तो वही आपका कहलाता है ले अ साइड या बाई। ले अ साइड या बाई का मतलब होता है बचत करना फ्यूचर के लिए। एक सेंटेंस हम लोगों के पास है, प्लीज ले सम मनी अ साइड। प्लीज ले सम मनी अ साइड, कृपया कुछ मनी को, कुछ पैसा को बचत करें फॉर द रेनी डेज। फॉर द रेनी डेज, खराब स्थिति के लिए। रेनी डेज एक आपका इडियम है जिसका मतलब होता है बहुत ही खराब परिस्थिति, दयनीय स्थिति, क्रिटिकल कंडीशन। तो जब आपका क्रिटिकल कंडीशन हो या किसी व्यक्ति का क्रिटिकल कंडीशन आ जाए, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे पैसा का बचत करना चाहिए। ये सभी व्यक्ति को करना चाहिए। नंबर सेकेंड आपके पास है ले डाउन। ले डाउन का मतलब है हथियार डाल देना या समर्पण कर देना। ले डाउन का मतलब है हथियार डाल देना या अपने आप को समर्पण कर देना। इसको इंग्लिश में लिखा गया है टू गिव अप फॉर ए फ्यूचर यूज और ए सरेंडर। गिव अप का मतलब क्या हुआ था, गिव अप भी आपका एक फ्रेजल भव है जो मैं पिछले वीडियो में बता दिया है। तो गिव अप का भी मतलब होता है छोड़ देना, यानी भविष्य की प्रयोग के लिए छोड़ देना, किसको, हथियार को छोड़ देना, और ये सरेंडर यानी अपने आप को सरेंडर कर देना। तो ले डाउन आपका दो गो सेंस देता है, हथियार डाल देना और ये समर्पण कर देना। इसे आप सेंटेंस के माध्यम से समझ सकते हैं, देयर इज नो अल्टरनेटिव है, कोई विकल्प नहीं है, बट टू ले डाउन योर वीपन से, आप अपने हथियार को समर्पण कर दे या उसे कहीं किसी के हथियार में डाल दे। तो देयर इज नो अल्टरनेटिव है, कोई विकल्प नहीं है सिवाय, किसके सिवाय, अपने हथियार को समर्पण करने के सिवाय। चलिए नंबर तीन देखते हैं, ले इन। ले इन का मतलब भी होता है जमा करना भविष्य के लिए, टू स्टोर फॉर ए फ्यूचर यूज। यहाँ भी ले इन का मतलब है जमा करना ही हुआ, टू स्टोर फॉर ए फ्यूचर यूज, भविष्य की प्रयोग के लिए जमा करना। एक सेंटेंस देखिए बहुत अच्छा लिखा गया है, द आंट्स जो चिटियां होती हैं ले इन जमा करती हैं फूड भोजन को फॉर द विंटर ठंडे के लिए। तो ठंडे के मौसम में आप देखते हैं चिटियां जो होती हैं वह पृथ्वी के अंदर से निकलती हैं और भोजन को धीरे धीरे स्टोर करके पृथ्वी के अंदर अपने या किसी भी जगह पे जहां वह रहती हैं
वहाँ जाके भोजन को अष्टोद कर देती हैं ताकि फ्यूचर में उनको वह भोजन खाने में काम आए। नंबर फोर बाबू है ले ऑफ है। ले ऑफ का हिंदी है काम से निकाल देना, टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ है, काम से बाहर कर देना या काम से निकाल देना, इसे ले ऑफ कहा जाता है। सेंटेंस हम लोगों के पास है द कंपनी इज गोइंग टू ले ऑफ सम वर्कर्स, द कंपनी इज गोइंग टू ले ऑफ है, कंपनी काम से निकालने जा रही है किसको, सम वर्कर्स कुछ कार्य करने वाले लोगों को, यानी जिस कंपनी में कुछ लोग काम करते हैं तो वह कंपनी जो है उन काम करने वालों में से कुछ लोगों को बाहर निकालने का काम है अभी कर रही है। हो सकता है कि उस कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं हो जिसके कारण वह अपने स्टाफ को बाहर निकाल रही है। क्लियर है। अब हम लोग के पास नंबर फाइव देखते हैं ले आउट। ले आउट का मतलब होता है व्यवस्थित करना। ले आउट का हिंदी है व्यवस्थित करना, टू अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लान्स, योजना के अनुसार, योजना के अनुसार व्यवस्थित करना। जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज को, किसी सामान को अपनी योजना के तहत व्यवस्थित करता है तो उसे हम ले आउट कहते हैं। सेंटेंस हम लोगों के पास दिया गया है ले आउट योर प्लान्स बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग मनी, यानी इन्वेस्टिंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी। देखिए अपनी योजना को व्यवस्थित करें किसके पहले, किसके पहले, इन्वेस्टिंग मनी यानी पैसा को इन्वेस्ट करने से पहले। मान लीजिए बाबू कि आप कोई काम करने जा रहे हो तो जिस फील्ड में आपको पैसा लगाना है, जिस काम में आपको पैसा लगाना है, तो उस काम में पैसा लगाने से पहले आप उसके प्लान को व्यवस्थित कीजिए, आप उसके प्लान को अरेंज करो, व्यवस्थित करो, ताकि आपको पता चल पाए कि इस जगह पे इतना पैसा लगेगा और इतना पैसा हमें बचना बचाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा कि आपका जो पैसा है वह बहुत काफी हद तक बच पाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने ले से संबंधित फ्रेजल वर्ब को किया समाप्त। चलिए एक बार पुनः वन देख लेते हैं, जैसा कि पहले वीडियो में भी हम लोगों ने दोबारा अंत में रिपीट करते हैं, आप लोग भी ध्यान से सुने और मन में इसे गुनगुनाने का प्रयास करें। तो सबसे नंबर एक में क्या था बाबू, ले असाइड या बाई बचत करना। नंबर दो में क्या है, ले डाउन हथियार डाल देना या समर्पण कर देना। नंबर तीन में क्या है, ले इन जमा करना भविष्य के लिए। नंबर चार में क्या बाबू है, ले ऑफ है काम से निकाल देना। नंबर पांच में है ले आउट व्यवस्थित कर देना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ले से संबंधित फ्रेजल वर्ब समाप्त कर दिया है। जो भी नए सब्सक्राइबर जो वीडियो देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या जो देख चुके हैं और आप लोग भाई से अनुरोध है कि इस वीडियो को और शेयर करें ताकि बालक लोगों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखकर अपना फायदा उठा सके। धन्यवाद।